नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोर न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बाहर, जहां पे हम देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो वकील है यहां पे आकर के बता रहे हैं कि जो शाहीन बाग में जो लगातार पिछले 70 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है रोड को लेकर के, और वहीं हमने देखा कि जो पिछले 3 दिन में जो दिल्ली जो आग का चैम्बर बनी हुई है, जो आगजनी होते जा रहे हैं उसको लेकर के, तो वहाँ बताया जा रहा है कि जो दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर के कि अभी तो फिलहाल इस फैसले को टाल दिया गया है, और भी काफ़ी कुछ अहम बातें हैं जो उन्होंने बताई है वकीलों के थ्रू। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किस किस चीज़ों को जाहिर किया है और किस चीज़ को मेन मुद्दों को लेकर के आगे उजागर किया है, और आगे कब तक और सुनवाई को टाल सकते हैं और आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। शाहीन बाग को हटाने के लिए जो पिटीशन दायर थी उस पर कोर्ट ने आज सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि अभी इसमें हम चाहते हैं कि ये माहौल कुछ बेहतर हो जाए जब हम इस पर सुनेंगे, और 23 मार्च के लिए लगा दिया। तो हमारी जो पहली इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मगर जो एक दूसरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमने लगाई थी चंद्रशेखर आज़ाद साहब के नाम से और वजात हबीबुल्ला साहब के नाम से और बहादुर अब्बास नकवी जो मेरे साथ खड़े हैं इंटरवेनर के नाम से, उसमें हमने जो प्रेयर की थी कि कपिल मिश्रा साहब जो कि ट्रंप की विजिट के दिन ही एक दिन पहले पूरे इतनी जाके वहाँ पे उन्होंने हमला कराया अपने गुंडों के साथ, उनके खिलाफ और पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हमारी पेंडिंग है उस पर FIR दर्ज कराई जाए और लोगों को सुरक्षा दी जाए। वो एप्लीकेशंस कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणियाँ करते हुए पुलिस के खिलाफ खास तौर पर ये कहते हुए कि अगर पुलिस अपना रोल कानून के हिसाब से न्यूट्रली इख्तियार करती तो ये जो आज कत्ले आम जो स्थिति बनी हुई है पूरे दिल्ली में, दिल्ली के एक हिस्से में, वो बिल्कुल नहीं होती। तो बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो पुलिस की निष्पक्ष ना होना, और इसका मतलब साफ जाहिर है कि अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर कार्य करना कानून के विरुद्ध जाके, वो बुनियादी वजह है इन जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसकी। अगर पुलिस न्यूट्रल होती तो ऐसा नहीं होता, ये ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिए हैं और हमें हाईकोर्ट भेजा। मगर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, और वो ये है कि कपिल मिश्रा साहब ने ट्रंप साहब की विजिट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उस विजिट को ही क्यों चुना, और पुलिस के पूरे संरक्षण में वो ट्रकों में पत्थर भर के ले गए, उसके सब सबूत मौजूद हैं, हथियार बंद लोगों को ले गए, और उन्होंने दलितों के ऊपर और जो मुस्लिम महिलाएं जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी 2 महीने से भी ज्यादा, उनके ऊपर हमला ट्रंप साहब की विजिट के टाइम पे क्यों कराया। तो इससे साफ जाहिर है कि कोई सत्ता की अंदर की लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है भारतीय जनता पार्टी और RSS में, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा साहब से ट्रंप साहब की विजिट के टाइम और भारत का नाम खराब करने के लिए ऐसी घटनाएं कराई हैं, जिसके सबूत, अनगिनत सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं कि पुलिस खुद लाठीचार्ज करा रही है, कपिल मिश्रा साहब को लेके खड़ी है, कपिल मिश्रा साहब ट्रकों से पत्थर अनलोड करा रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन करने का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इस सरकार में कौन व्यक्ति भारत की इमेज खराब करने के लिए कार्य कर रहा था, और कौन किसका नुकसान हो रहा था, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिसका एक्चुअल नुकसान हो रहा था ट्रंप की विजिट खराब होने से। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि MOS होम ने यह कहा, और दो स्टेटमेंट देखने की बहुत जरूरत है। MOS होम साहब ने यह कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्केस्ट्रेटेड दंगे थे, और जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये स्पॉन्टेनियस थे। तो ये साफ दो धड़े नजर आ रहे हैं सरकार के अंदर, और हमारी ये अब हाईकोर्ट में डिमांड ये रहेगी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, खासतौर पे इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन के किस प्रकार से सरकार के दो धड़े अपनी राजनीतिक रोटियां और अपनी राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं और उसका दिल्ली पुलिस के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर ना आती हो उसका प्रयोग किया जाए और नागरिकों को सुरक्षा दिलाई जाए सबसे पहले, और दिल्ली पुलिस के तमाम अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज हो और दिल्ली पुलिस के अफसरों को वहां से हटाया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह के प्रोटेस्टर साइट पर जो भी ये तमाम दंगे हुए हैं, मामला बने हैं सर, इसके बाद जो दूसरी प्रोटेस्ट साइट है वहां सिक्योरिटी को लेकर लोग जो है फिक्रमंद है, तवज्जो उनकी जो है वो सिक्योरिटी को लेकर। देखिए फिर मैं दोहराऊंगा जो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर इस सारे मसले में तो एक किसी भी प्रॉब्लम नहीं होती, ये कोर्ट ने कहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि पुलिस जो है वो कानून के हिसाब से और जो 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 और जो आईन है हमारा संविधान है उसके हिसाब से काम करेगी, तो कोई समस्या बिल्कुल है ही नहीं, ये कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है। तो बाकी सब जगह भी ये सीधे सीधे कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ऊपर एक आक्षेप किया है कि दिल्ली पुलिस जहाँ जहाँ और बाकी जो शहरों में भी और राष्ट्र जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ भी अगर पुलिस अपना रोल न्यूट्रल
यूपी में खास तौर से और कर्नाटक में, आसाम में, अगर पुलिस अपना रोल न्यूट्रली आईन और संविधान के अंडर करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने आज की है कि यही महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस को ये चाहिए कि इस टिप्पणी को ध्यान से सुने, यूपी पुलिस को चाहिए इस टिप्पणी को ध्यान से सुने और जिस बात की उन्होंने जिस शपथ ली है संविधान की उस पर अमल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण। सर ऑफिशियल रिकॉर्ड अब तक 20 लोगों की मौत है लेकिन जो हकीकत जीटीबी हॉस्पिटल या दूसरे अस्पतालों से पता चली है वो 40 के ऊपर हो चुकी है। सभी की मौत सिर्फ गोली लगने से हुई है और जो दूसरे लोग इंजर्ड हैं जिनकी तादाद 100 से ज्यादा है वो भी गोली ही लगने से इंजर्ड हुए हैं। तो ये कौन सी गोली और किसके निकली? ये सिर्फ और सिर्फ जो आरएसएस के गुंडे हैं और पुलिस की गोलियों से ये सब हो रहा है। इसके इतने ज़्यादा सबूत और प्रेस को भी वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है लेकिन आजकल क्योंकि सीसीटीवी कैमरा इतने हैं कि सबके सबूत मौजूद हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके पास कोई जवाब देने को नहीं मिल रहा है। वहाँ कोर्ट ने वहाँ भी पूछा है कि आप FSL की रिपोर्ट्स क्यों नहीं ला रहे हैं, पुलिस के खिलाफ आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो यही कमोबेश जो घटना है जो योगी जी के राज में वहाँ हुई है वो अमित शाह साहब की दिल्ली पुलिस भी वही कर रही है। पुलिस ही दंगाइयों के साथ मिलकर सब हमले कर रही है, क्रिमिनल्स की तरह पुलिस जो एक्शंस कर रही है ये सब उसी की नतीजा है जिसकी बारे में कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। और इसके लिए हम लोग हरेक के खिलाफ जो भी पुलिस ऑफिसर चाहे वो कितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हों, कॉन्स्पिरेसी के तहत क्योंकि ये हुआ है और होम मिनिस्ट्री के जो अफसर हैं उनके खिलाफ भी 120B की धाराओं का भी इन्वोक करेंगे। दलितों को मारा पीटा गया और उनको बाबा साहब को भीमराव अंबेडकर को जो जाति सूचक शब्द बोले गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा और RSS के लोगों द्वारा और बाबा साहब के जो फोटो जलाए गए हैं और उनके साथ जो बेइज्जती की गई है उसके लिए भी हम सब ये एक्शन लेंगे और हमने सबकी कंप्लेंट्स कर रखी है। सर कपिल मिश्रा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है, कई FIR हो चुके हैं। देखिए कपिल मिश्रा ने अपने आप तो ये इस बातों से तो यही पता लगता है अपने आप नहीं किया था, उनकी प्रोटेक्शन है पूरी, उन्होंने पुलिस के लोग DCP साहब खुद खड़े होकर उनसे ये काम करा रहे थे तो उनके खिलाफ कैसे एक्शन होगा जबकि हाईएस्ट लेवल से उनको भेजा ही गया था, तो उनके खिलाफ तो एक्शन हो ही नहीं सकता। और एक्शन लेने के टाइम इस बात का भी घट डर होगा ना कि कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर अगर उनसे पूछताछ करेगा तो वो शायद अपने राजनीतिक असली आकाओं का नाम ले देंगे, तो उनको तो एकदम प्रोटेक्ट करके रखना जो होम मिनिस्ट्री है पूरी उसकी जिम्मेदारी ही। ऐसा माहौल पैदा करना होगा इस मामले में चर्चा कर सकें और कोर्ट ने इस मामले में डाली गई बाकी सभी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करा गया और एक कहा गया कि इस पिटीशन का रोल लिमिटेड है और रोल ये है कि आप रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं या नहीं, आपके रास्ते ब्लॉक करने का राइट है या नहीं, तो पब्लिक रोड को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। इसको लेकर के माननीय न्यायालय ने कहा कि ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है आज की डेट में कि इस मामले की सुनवाई हो सके, हम सबको इस मामले को थोड़ा शांत होने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी और मामले को होली की छुट्टियों के बाद 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया। एक सेकंड सर, एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इस पिटीशन के बाद कि अब पुलिस को ये छूट है क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं दिया है, वो चाहे तो शाहीनबाग खाली करा सकती? देखिए पुलिस को पहले भी छूट था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट किया था कि यू डिड नॉट यू नो टेक माय सर्टिफिकेट, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का सिचुएशन लगता है तो आप इमीडिएटली जो एक्ट करें, लेकिन पुलिस के फेलियर के वजह से ये घटना घटी है क्योंकि पुलिस को कोई भी लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है, अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो CRPC और IPC रिस्ट्रिक्शन के रूप में है। आपने कोर्ट के सामने ये सवाल उठाया था कि शाहीन बाग को खाली कराए जाने का ऑर्डर दीजिए, कोर्ट ने उस पर क्या कहा? देखिए कोर्ट ने बोला कि अभी समय उपयुक्त नहीं है बिकॉज ये फंडामेंटल इशू है कि पब्लिक रोड के ऊपर जो है कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये इशू जो है इससे रिलेटेड नहीं है प्रोटेस्ट और जो वायलेंस हुआ है, दिस इज सेपरेट मैटर एंड द एप्लीकेशन जो और इंटरवीनर ने जो फाइल किया था उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए वो एप्रोप्रिएट फोरम में डायरेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट सम एंड सबस्टेंस में ये ऑब्जर्वेशन किया कि आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट लोगों का है वो वायलेट नहीं कर सकते हो, इन्फ्रिंज नहीं कर सकते दूसरों को यह कहते हुए कि मेरा राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो सुप्रीम कोर्ट वाज टोटली जो है वो इसके ऊपर जो है वो बड़ा ही कड़ा व्यू रखते हुए यह जब मेरे तरफ से उनको बोला गया कि आपके जो अगर काम नहीं करने के कारण जो है इसको समझा जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आई नीड नॉट टू ओपन अप, क्योंकि बोला कि पिछले बार मैं कहा था कि पुलिस जो है एक्ट करे लेकिन पुलिस एक्ट नहीं किया और ये कारण जो हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है और यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के लिए बड़ा ही एक बैड प्रेसिडेंट है और इसको जो है वो नहीं होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च के लिए मैटर को लगाया हुआ है। आप एक सीधा सवाल ये है कि अगर 23 मार्च से पहले पुलिस शाहीन बाग खाली कराना चाहे तो क्या आज के आदेश पर कोई रोक है?
कोई आदेश का रोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, पुलिस अपना काम करे एज पर द लॉ, कोर्ट अपना काम करेगा एज पर द लॉ। कोर्ट के पास एक लिमिटेड इशू है, क्या पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है प्रोटेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, उसके ऊपर जो है उसको फैसला देना है।